नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। बढ़ते हैं इस वक्त की 5 बड़ी खबरों की तरफ। क्रिप्टो करेंसी, भारत सरकार की बैन की तैयारी, ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी हो गई क्रैश। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इस बारे में बिल लेकर आ सकती है। ऐसी खबरें आते ही मंगलवार को सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी धड़ाम हो गई हैं। ज्यादातर में 15% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की जा रही है। बिटकॉइन में करीब 15%, टीथर में करीब 6% और यूएसडी कॉइन में करीब 8% की गिरावट देखी गई है। पीएम मोदी से आज मिलेगी ममता बनर्जी। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र पर उठाएंगी मुद्दा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रही है। बता दें, ममता अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम मोदी के साथ सीमा सुरक्षा बिल, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र और त्रिपुरा हिंसा और राज्यों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकती है। माना जा रहा है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद वे बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने समेत अन्य मुद्दों पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर सकती है। दिल्ली में फिर खुल सकते हैं स्कूल, वर्क फ्रॉम होगा खत्म, आज होगा ऐलान। देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। ऐसे में दिल्ली सरकार स्कूलों को दोबारा खोलने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों को जारी वर्क फ्रॉम होम खत्म करने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में स्कूलों को खोलने और वर्क फ्रॉम होम खत्म करने समेत कई अहम मुद्दों को लेकर बुधवार को अहम बैठक की जा सकती है। टमाटर के दाम आसमान पर, कई राज्यों में 120 रुपए किलो तक पहुंची कीमतें। देश के अधिकांश शहरों में टमाटर की खुदरा कीमतें 80 रुपए प्रति किलोग्राम के आसपास चल रही हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार व्यापक बारिश के कारण कुछ दक्षिणी राज्यों में इसका खुदरा भाव 120 रुपए प्रति किलोग्राम तक भी पहुंच गया है। चेन्नई में टमाटर का खुदरा भाव 100 रुपए प्रति किलो है, वहीं पुडुचेरी में 90 रुपए प्रति किलो है। 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने की आज मिल सकती है मंजूरी। अभी भी आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं किसान। केंद्रीय मंत्रिमंडल आज 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा से सरकारें और किसान के बीच पिछले 14 महीने से चल रहे टकराव खत्म होने की उम्मीदें बनी है। बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इन कानूनों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और जल्द ही वह प्रक्रिया अब शुरू की जा सकती है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए पंजाब केसरी .com के साथ।